फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हिस्ट्री। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में हमारे यूज होने वाले स्पेशल चिप्स की, जो कि मैं केले से बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये चार केले लिए हैं, ये चिप्स कटर लिया हुआ है और मैंने केले को धो के छील लिया है। एक कढ़ाई लिए, देखिए मैंने इसको गैस पे तेज आंच में गर्म किया तेल को, और इसी तेल में मैं डायरेक्ट चिप्स को कट कर रही हूँ कुछ इस तरह से, देखिए। और मुझे यहाँ पे पूरे एक केले का यूज नहीं करना है, मुझे आधा ही केला कसना है क्योंकि केले आपस में चिपक ना पाए, और मुझे आधे आधे केले को ही डीप फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से, अब इसको हम बराबर हिलाते रहेंगे जिससे हमारे ये आपस में चिपके नहीं। ये मुझे इसकी आंच का भी ध्यान रखना है क्योंकि आंच मुझे तेज ही रखनी है, धीमी नहीं करनी है, धीमी करने से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे डीप फ्राई करना है। ये मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको अब मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी इस तरह से। और ये मैंने चार केले के चिप्स तैयार किए हैं बना के, क्योंकि देखिए कितनी क्वांटिटी में हो गए हैं। अब मैं इसको इस बाउल में पलट लूंगी और कुछ मसाले इसमें मिलाऊंगी जो कि हमारे व्रत के मसाले हैं। इसमें मैंने काली मिर्च, जीरा और लौंग का पाउडर लिया हुआ है, मैंने इसमें ऐड किया है इन मसालों को। अब मैं इसमें सेंधे नमक का यूज करूंगी जो कि हम लोग व्रत में यूज करते हैं। ये मैंने सेंधा नमक मिला दिया है, और मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज किया है, वो ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो मिला सकते हो या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने मिर्च चटपटा बनाने के लिए मिर्ची पाउडर का यूज किया है। अब इन मसालों को आपस में हम मिला लेंगे जिससे हमारे मसालों की गोडी इन चिप्स पे अच्छी तरह से हो जाएगी, ये इस तरह। और बहुत क्रिस्पी बने हैं ये, देखिए आप लोग बनाइए नवरात्रि स्पेशल स्नैक्स, और ये बहुत यमी लगते हैं खाने में, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।